ऐसी धड़कन है, धड़कन है, ऐसी धड़कन है, 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 ऐसी चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, रोली वर्मा से, जो कि यूपी साजापुर से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 254 आया। तो रोली, सबसे पहले तो 254 रैंक के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू सर। और रोली के लिए मैं बता दूं कि रोली ने ड्रॉप लिया था, भोपाल में रहकर प्रिपरेशन की, लास्ट ईयर रैंक नहीं आई थी, काफी स्ट्रेस था, पर बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, पर फिर से इसने कोशिश की और आज इतनी अच्छी रैंक लाई। तो रोली, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है और अपनी जो लाइफ है आपकी, किस लेवल से आपने स्टार्ट किया, पहले आपका मैथ्स बहुत वीक था, फिर कैसे कैसे इम्प्रूव किया, तो आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी मैं चाहूंगा आप बताओ। पहले तो शरद सर को थैंक यू, क्योंकि शरद सर नहीं होते तो मेरी रैंक नहीं होती। पहले तो मैंने 2021 में बैच ज्वाइन किया था, ऐसे 20 में यूट्यूब से देखा कि निमसेट होता क्या है, तो निमसेट सर्च किया ऐसे यूट्यूब से, फिर मैंने धीरे धीरे सोचना स्टार्ट किया कि ये कोर्स खरीदना कैसे है, फिर यूट्यूब पे देखते देखते फिर मैंने यही चीज़ एक दीदी से डिस्कस की कि मुझे निमसेट करना है, तो दीदी ने बोला कि, मैंने दीदी को ही पहले बोला कि आप कांटेक्ट करो सर से कि ये कोर्स कितने का पड़ेगा, ये कैसे होगा, तो दीदी ने पहले कॉन्टेक्ट किया था सर से, फिर मैंने धीरे धीरे 21 में कोर्स लिया था पहले तो 21 में मैंने घर पे तैयारी की, ऐसे वीडियो देखा ऐसे ही छोड़ देते थे, कुछ पढ़ते नहीं थे, बस वीडियो देख के बस ऐसे ही छोड़ देते थे, खुद प्रैक्टिस कभी नहीं की। फिर क्या हुआ, अब 21 में मेरी रैंक 2000 के समथिंग आई थी, फिर नहीं हो पाया था, तो मैंने 22 में सोचा निमसेट देने के लिए, फिर मैंने दिसंबर में मैं आ गई थी ऑफलाइन इम्पिटस में, फिर मैंने तैयारी की धीरे धीरे, पहले तो यहाँ पे आया मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे इनफेक्ट सर तुरंत क्लास लेते थे, मुझे याद भी नहीं रहता ये क्वेश्चन कैसे कराया सर ने, मैं बहुत डिप्रेशन में थी कि मैं क्या करूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि क्वेश्चन कैसे, तो मैं आगे कैसे पढ़ूंगी। फिर क्या हुआ, फिर मैं एक बार शरद सर के कैबिन में गई, मैं बहुत रोई, सर को नंबर दिखाए अपने, शरद सर ने मुझे समझाया, फिर मैं धीरे धीरे पढ़ती रही, धीरे धीरे पढ़ती रही, तो फिर मुझे समझ में आने लगा, फिर मैं मेरे रूममेट थे उनसे पूछते थे, धीरे धीरे डिस्कस करते थे, मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि हाँ ऐसे पढ़, तो बस पढ़ती गई, तो मेरी 22 में भी नहीं रैंक नहीं आई, तो 22 में मेरी 1605 रैंक आई थी। फिर मैंने 1605 रैंक आने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैं क्या करूँ, सबने बोला कि प्राइवेट एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो, NIT जरूरी नहीं होता है, लेकिन मैंने सुनी नहीं, मैंने सोचा सर से बात करते, शरद सर ने तो बोला कि बेटा प्राइवेट कॉलेज तो सब ऐसे ही होते हैं, तो CUT का भी पेपर दिया था लेकिन उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि निमसेट का इतना प्रेशर था कि जाना तो NIT ही है। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप से सोचना स्टार्ट किया, इनफैक्ट मेरे दो दोस्तों ने एडमिशन भी ले लिया था, तो फिर मैंने सोचा मैं ड्रॉप लेके करती हूँ एक बार। फिर मैं अक्टूबर में फिर से ऑफलाइन आ गई थी यहीं पर, फिर मैंने यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैंने ये सोच लिया था कि अब तो NIT जाना ही है क्योंकि ड्रॉप लिया है। फिर मैं धीरे धीरे पढ़ती गई, अच्छा परफॉर्म करती गई, शरद सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया मुझे, खासकर शरद सर ने, तो थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। तो बस ऐसे ही तुम्हें रैंक आ गई। तो देखिए, रोली का स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट कि मैथ्स का वीक होना, फिर रिजल्ट पहले बार में अच्छा नहीं आना, दूसरी बार में भी, ऐसे में कई बार बहुत स्ट्रेस होता है, पर बोलते हैं कि कंप्रोमाइज नहीं करना, कभी कभी एक कंप्रोमाइज आगे के 50 कंप्रोमाइज रोकते हैं। अगर आप मान लो आज सपोज एक कंप्रोमाइज करके कॉलेज लेते हैं, तो अगला कंप्रोमाइज जॉब का होगा, अगला कंप्रोमाइज सैलरी पैकेज का होगा, अगला कंप्रोमाइज ग्रोथ का होगा, पर एक कंप्रोमाइज रोकना मतलब इंटायर लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें आगे अच्छी मिलती है। और बोलते हैं कि अगर हम अच्छा कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कई बार गॉड हमारी एग्जाम भी लेता है और वो टाइम के साथ मिलता है। तो खैर, आपने अच्छी रैंक अचीव की, तो आप ये बताओ कि वो बच्चे जो कई बार कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपने वो सब फेस किया है, वो फेस भी किया कि क्या करूं क्या नहीं करूं, एक दो महीने डिप्रेशन में भी रहे, सबसे बाहर निकले, तो आप अपने जूनियर्स को और स्पेशली वो बच्चे जिनकी बाई चांस कभी रैंक नहीं है या कुछ नहीं हो पाया, उनके लिए आप एक अच्छे मोटिवेटर का काम करोगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप खुद को डिसाइड करो कि आपको जाना कहाँ है, कौन से कॉलेज में जाना है। मैंने तो डिसाइड कर लिया था, 2022 का रिजल्ट आया, फिर मैंने बहुत सोचा था, तो मैंने तो डिसाइड कर लिया मुझे जाना ही NIT है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको जाना कौन से कॉलेज है। ठीक है, थैंक यू रोली, बहुत सारी चीजें आपने बताई।
अब ऐसे ही आप आगे जाके एनआईटी में भी बेस्ट परफॉर्म करो और ऐसे ही खुश रहो। और अब आपने चीजें हैंडल करना सीख ली हैं, बहुत समय स्ट्रेस में भी निकाला। अब मैं बोलूंगा आप लाइफ में कभी भी कुछ भी हो, स्ट्रेस से नहीं उसको सॉल्व करना है बल्कि अलग ढंग से उसको सोच के सॉल्व करना है, तो आप ऐसे एनआईटी में भी जाके बेस्ट परफॉर्म करो। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।